Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am, and I am going to teach you chapter five of standard eight, that is combustion and fossil fuels. The topics that I am going to cover in this chapter are about the fuels, the characteristics of fuels, about fossil fuels, coal, petroleum, and natural gas extraction and refining of petroleum oil, and limitations of fossil fuels students you know that all combustible substance cannot be used as fuels for all applications sare things use nahi sakte kuch bhi karne ke most of the substances used for burning are fuels so substances that produce heat and light energy on burning they are called as fuels वो सारे सब्सटेंसेस जिसको जलाने से हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एज फ्यूल्स फ्यूल्स में हम ले सकते हैं एज वुड आता है कोल आता है काउडंग uh, केक्स आते हैं कैरोसिन एल पेट्रोल डीजल दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फ्यूल्स वी यूज फ्यूल्स फॉर कुकिंग हीटिंग इन ऑटोमोबाइल्स एंड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन दैन फिजिकल स्टेट्स कौन से स्टेट में पाया जाता है सॉलिड में पाया जाता है लिक्विड में पाया जाता है या गैशियस में पाया जाता है उसके हिसाब से वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स वन इज कॉल्ड एज अ सॉलिड फ्यूल द सेकेंड इज कॉल्ड एज अ लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड इज कॉल्ड एज गैशियस फ्यूल्स फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट जो सॉलिड में होता है रूम टेम्परेचर पर वैसे फ्यूल्स को हम कहते हैं एज सॉलिड फ्यूल्स रूम टेम्परेचर पर जो भी फ्यूल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं दोज आर कॉल्ड एज द लिक्विड फ्यूल्स जैसे कैरोसिन आ जाता है पेट्रोल डीजल दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स गैशियस फ्यूल्स में कौन कौन से आते हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैशियस फॉर्म में होते हैं गैशियस स्टेट में होते हैं उन सबको हम कहते हैं एज गैशियस फ्यूल जैसे पेट्रोलियम गैस आता है नेचुरल गैस आता है बायोगैस आता है दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉजिल फ्यूल्स नाउ विच आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ अ फ्यूल यू नो स्टूडेंट्स दैट सारे सब्सटेंसेस कंबस्टेबल नहीं होते एंड दे के नॉट बी यूज एज फ्यूल्स फॉर ऑल द एप्लीकेशन ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूज हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग तो थोड़े ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं थोड़े ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कम एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं करते हैं बिसाइड्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूज द चॉइस ऑफ फ्यूल वेदर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज किस पर डिपेंड uh, करता है कि हमको कौन से काम के लिए उसको हमको यूज़ करना है डोमेस्टिक यूज के लिए करना है इंडस्ट्री के यूज़ के लिए करना है इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने कॉस्ट का है एफिशिएंसी क्या है उसकी कितना हमको अवेलेबिलिटी uh, है उसकी कितनी एंड द एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन इट कॉज सो डिपेंडिंग ऑन दैट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फ्यूल्स आर इट्स कैलोरिफिक वैल्यू एंड इट्स एफिशियंसी कैलोरिफिक तो वैल्यू क्या होता है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जाउल्स वेन वन ग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न जब एक ग्राम फ्यूल एकदम से बर्न हो जाता है कुछ भी बचता नहीं है तब कुछ, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ किलो जाउल्स में उसको हम कहते हैं एज किलो कैलोरिफिक वैल्यूज द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैलोरीफिक वैल्यू इज इन किलो जल्स उसको हम लिखते हैं एज के और जे कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जल्स पर ग्राम इन सिंपल टर्म्स द हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल द मोर हीट इट प्रोड्यूस व्हेन बर्ट जितना ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगा उतनी ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा and thus we can say that the higher the calorific value of the fuel the better fuel it is so of fuels when fuels are burnt some of the energy produced is given off as waste waste which cannot be used for cooking or for other purposes this is what affects the efficiency of the fuel till date no fuel burning device is known to exhibit 100% efficiency. so the uh, following are some of the important characters of the ideal fuel. ideal fuel kaise hota hai ये हमको जानना है. तो कैसे हम जान पाएंगे? it should have high calorific value. उसके high calorific value होनी चाहिए. वो ज़्यादा burn होना चाहिए, ज़्यादा heat produce होनी चाहिए. टेम्परेचर शुड बी लो इग्निशियन टेम्परेचर उसका लो होना चाहिए बट द रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए मगर इग्निशियन टेम्परेचर इसका लो होना चाहिए एंड इफ द इग्निशियन टेम्परेचर इज लो वॉट विल द फ्यूल विल कैच फायर वेरी इजिली फ्यूल जल्दी से आग पकड़ लेगी और अगर लो उसका रूम uh, टेम्परेचर होगा देन इट विल भी डेंजरस ऑल्सो एंड इफ़ इट इज वेरी हाई अगर ज़्यादा होगा तो द फ्यूल हैज़ टू बी हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम ज़्यादा देर तक उसको गर्म करना पड़ेगा बिफोर इट कैन बी इट कैन कैच द फायर देन इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ कंबस्टन एंड शुड रिलीज हीट इन द कंट्रोल्ड मैनर मॉडरेट रेट कंबसचन का होना चाहिए और हीट भी कंट्रोल्ड मैनर में जिसको हम कंट्रोल कर सकें वैसे मैनर में वो प्रोड्यूस होनी चाहिए इस शुड बी फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल सस्ता भी होना चाहिए अच्छी कैलोरिफिक वैल्यू भी हाई कैलोरिफिक वैल्यू भी होनी चाहिए बट हाई कैलोरिफिक वैल्यू भी होनी चाहिए साथ में कैसा होना चाहिए वो चीप भी होना चाहिए A fuel may a fuel may have a high calorific value, but if it is expensive and not easily available, it cannot be used on day-to-day -day basis, right? So these are some of the conditions necessary. Still to continue, it should be safe to handle, store and transport. वो अच्छे से हैंडल भी हो सो हो जाना चाहिए, स्टोर भी अच्छे से होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इजी होना चाहिए। राइट सो दीज आर समिंग्स इॉट कॉज बर्निंग बर्न करने से जलाने से हीट तो प्रोड्यूस होती है लाइट तो प्रोड्यूस होती है मगर उससे पल्यूशन नहीं होना चाहिए ये से थोड़े आइडियल कंडीशंस है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूल के सो नॉट ऑल फ्यूल्स कैन फुलफिल एवरी वन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं Fuels need to be compared to each other in order to use the right fuel. So let us find out some fuels based on their characteristics. So let us discuss about hydrogen. Hydrogen as a fuel. Hydrogen is considered as the best fuel. fuel. is. इट हैज़ द हाइएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू उसकी वैल्यू बहुत ही कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है एंड इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल हवेवर इट इज हाईली इनफ्लेमेबल तुरंत ही आग पकड़ लेता है देर आर डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विथ इज ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड हैंडलिंग तो इसकी वजह से यूज एज अ फ्यूल ओनली वेयर इट इज एब्सूल नेसेसरी जहाँ पर बहुत ही जरूरत है वहाँ पर भी हम उसको यूज कर सकते हैं और ये कहाँ पर ज़ा सबसे ज्यादा यूज होता है एज ए रोक रॉकेट फ्यूल राइट दूसरा है हमारा मीथेन और एल गैस फ्यूल दोनों मीथेन और एल पी जी देव फेयरली हाई कैलोरीफिक वैल्यू दे बर्न विथ स्मोकस फायर दे बर्न विथ स्मोकस फायर अच्छी होती है वह फायर होता है मगर उसमें से स्मोक नहीं निकलता अगर स्मोक नहीं निकलता तो क्या इट डज नॉट कॉज पल्यूशन पोल्यूशन भी नहीं होता दे आर ऑल्सो ईजिली स्टोर्ड उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको हम सिलेंडर्स में डाल सकते हैं उसको हम पाइपलाइन थ्रू उसको बेच सकते हैं सो so, एक अच्छा फ्यूल है डोमेस्टिक यूज के लिए बाद में बात करते हैं पेट्रोल और डीजल फ्यूल्स की दोनों पेट्रोल एंड डीजल दे मेनली आर यूज इन ऑटोमोबाइल्स ज़्यादातर वो ऑटोमोबाइल्स में ही यूज़ होते हैं मगर उसका एक डिसएडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है मैम ये डिसएडवांटेज है बेटा कि वो दोनों वो दोनों पेट्रोल और डीजल दोनों लिमिटेड अवेलेबिलिटी में बहुत 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 ही कम है और एक भी डिसएडवांटेज है क्या है देअर कंबस्टन रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इन टू एटमोसफियर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है पोल्यूशन तो चलो बात करते हैं थोड़े फॉजिल फ्यूल्स की फॉजिल फ्यूल्स किसे कहते हैं फ्यूल्स आर फॉर्मड फ्रॉम बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स बहुत 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 सालों से अगर वो ज़मीन में ही पड़ा हुआ है न जाने कितने कितने हजारों सालों तक और ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए एज फॉजिल फ्यूल जैसे कोल है पेट्रोल है पे, पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फॉजिल फ्यूल्स दो टाइप natural resources. Natural resources two two के नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं कौन से दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं एक तो इनएक्टिबल और दूसरा है हमारा एग्जॉस्टिबल ने रिसोर्स तो इनएस्टिबल नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं there are sources of which there is limitless supply uski supply limitless hai bahut 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 hi humko paya jata hai it is abundance in the atmosphere bahut hi sara humko milta hai usko hum kehte hain as limitless तो क्या हमको सबसे ज़्यादा मिलता है सनलाइट है एयर है ये सारे एग्जाम्पल है इनएग्जॉस्टिबल resources की तो एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है उसकी सप्लाई लिमिटेड है देर रिसोर्सिस सप्लाई इज लिमिटेड देयर ओवर यूज अगर हम उसको ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा वो फिनिश हो जाएगा वी विल नॉट गेट इट टू यूज इट एनी मोर सो सच रिसोर्सिस सच नेचुरल रिसोर्सेस दे आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुर जैसे फॉजिल फ्यूल्स आ जाते हैं जैसे पेट्रोल है डीजल है कैरोसिन है ये सारे कोल है ये सारे हमारे फॉजिल फ्यूल्स है फॉरेस्ट भी हमारा एग्जॉस्टिबल uh, में ही आ जाता है और वाइल्ड लाइफ तो है ही तो स्टूडेंट्स का वन लेटस्ट डिस्कस अबाउट ईच ऑफ द फॉजिल फ्यूल्स चलो बात करते हैं हम कोल की बाद में पेट्रोलियम की इन सब की बात करते हैं जो लिमिटेशन uh, उसके हैं थोड़े जो फॉजिल uh, फ्यूल तो है मगर बहुत ही कम पाए जाते हैं इट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स तो चलो बात करते हैं सबसे पहले ऑफ कोल कोल इज इज जनरली ब्लैक और ब्राउनिश ब्राउन इन कलर और उसका कार्बन कंटेंट कितना है उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं इनटू थ्री टाइप्स क्योंकि सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन तो होता ही है तो कार्बन कितना ज्यादा है और कितना कम है उसके हिसाब से हम कोल को डिवाइड करते हैं इनटू थ्री टाइप्स और सबसे पहला टाइप है हमारा एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट में कार्बन का का जो कंटेंट है वो 86 परसेंट है जो सबसे ज्यादा है 86 परसेंट या उससे ज्यादा हो सकता है एंड इट इज रिगार्डेड एज द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल एंड इट इज मेनली यूज फॉर हीटिंग सेकेंड टाइप हमारा कोल है उसको हम कहते हैं कार्बन कंटेंट विच इज अराउंड सेवेंटी टू ए पर यूज होता है यह पावर जनरेशन के लिए होता है यूज एंड फॉर द मैन्यूफेक्चर ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक कोक बनाने के लिए जो एक दूसरा फ्यूल है उसके लिए हम यूज करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कोल इज द लिग्नाइट कोल जिसमें कार्बन कंटेंट इट इज अराउंडी सिक्स या सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट देखा आपने यहाँ पर यहाँ पर एटी सिक्स परसेंट जो सबसे ज्यादा है उससे थोड़ा कम हुआ वो मतलब वो बिट्यूमिनस कोल है और उससे थोड़ा कम हुआ उसको हम कहते हैं एज लिग्नाइट जो सिर्फ सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट होता है एंड इट इज रिकॉर्डेड एज द लोवेस्ट ग्रेड कोल और ये पावर जनरेशन के लिए काम आता है अब कोल की बात करें तो कोल वॉज फॉर्मड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रू इन वार्म एंड ह्यूमिड स्वैम्स 300 टू 400 मिलियन इयर्स एगो वार्म वॉर्म पे जो भी ग्रो होते थे लैंड पर वो सारे जब दब गए मर गए और दब गए जमीन के नीचे और करीब 300 से 400 मिलियन साल लगे उसको कोल बनते समय तो चलो बात करते हैं एक कोल कैसे बना करके सो हियर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोल विच इज गिवन ओवर हियर चलो बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की ट्रीज एंड अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज नियरली 300 टू 400 मिलियन इयर्स एगो दे डाइड मर गए और फिर दब गए गएर रिमेन्स गॉट बरीड इन द सॉइल फिर क्या हुआ ओवर टाइम दीज रिमेन्स वेर कवर्ड विथ सेडिमेंट्स लाइक मड और सैंड उस पर मड जम गई उसका सैंड जम गई फिर वो दब गया नीचे फिर क्या हुआ इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस अब दब गया तो वहां पर ऑक्सीजन का कंडीशन कैसे होगा कम ही ऑक्सीजन मिलेगा उसको इसीलिए इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस द बरीड प्लांट मटेरियल इट फॉर्म्ड अ डार्क ब्राउन मटेरियल कॉल्ड पीट दब गया उसका कलर चेंज हो गया कलर चेंज किस में हो गया डार्क ब्राउन कलर का हो गया और ये डार्क ब्राउन कलर का जो मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं इट इज कॉल्ड एज पीट पीट कोल एंड जनरली मोर एंड मोर sediments got deposited ओवर पीट oh, or पीट पर और मड और सैंड जमता ही गया जमता ही गया उस पर जमता ही गया एंड पीट was कंप्रेस्ड दब गया देखो यहां पर ये मड का लेयर सैंड का लेयर और बीच में आपको ये लेयर जो दिखाई दे रहा है ना दूसरा लेयर दैट इज द कोल एंड इट फॉर्मड लिग्नाइट फिर और और दबता ही गया दबता ही गया नीचे 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 नीचे, नीचे जा जाता जा रहा है देखो क्योंकि उस पर धूल और मिट्टी का लेयर दबता जा रहा है और जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रपोर्शन कम मिलता है उसको वैसे वैसे उसका कलर चेंज हो जाता है और वो बन गया अभी हमारा विट्यूमिनस कोल उस पर फिर से दबका दबता गया कंप्रेशन आता गया और बन गया हमारा जो हाईएस्ट ग्रेड है वो कोल बन गया जिसको हम कहते हैं एज एंथ्रसाइट तो इस तरह से हमारा कोल बना अब कोल है कोल इज प्रोसेस्ड फर्दर टू ऑप्टेन यूजफुल मटेरियल्स सच एज द कोक टार एंड कोल गैस ये डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस से ये कोल का हमको और थोड़े मटेरियल्स मिलते हैं जैसे कि कोल मिलता है कोल टार में मिल, कोक मिलता है कोल टार मिलता है कोल गैस मिलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जिसको हम कहते हैं जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में अगर हम कोल लेते हैं और उसको हीट करते हैं दूसरा टेस्ट ट्यूब हमने उसको उसमें रखा जिसमें पानी भर दिया तो जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो ये जो हीटेड फॉर्म है वो यहाँ पर अंदर जाएगा वाटर है तो वाटर में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएगा और जो बन जाएगा हमारा कोलटार कोल गैस है इट इज़ नॉट सॉल्यूबल तो वो ऊपर रहेगा और यहाँ पर ऊपर से हमको कोल गैस दिखाई देगा अगर हम इग्नाइटेड मैस्टिक इसके पास रखेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा तो हमको ऐसे तीन थिंग्स मिलते हैं हमको और जो यहाँ पर रह जाता है उसको हम कहते हैं एज कोक सो वॉट इज कोक कोक इज हार्ट ड्राई फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग विट्यूमिनस कोल इसको हम हीट करते हैं विट्यूमिनस कोल को कैसे टू ए हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर एब्सेंस ऑफ एयर इसलिए तो हमने यहाँ पर बंद कर दिया है उसको इसलिए विद द एब्सेंस ऑफ एयर जल गया तो ये हमारा बन गया है इसकोक टार जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है हमारा इट इज थिक ब्लैक ओपेक लिक्विड विच इज ऑपटेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ कोक बाद में ये हमारा जो निकला ना वो है कोल गैस gas हमारा गैशियस फ्यूल ऑप्टेंड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोक अब जो हमारा ये कोक uh, है इट इट हैज़ द हाई कार्बन कंटेंट एंड इट इज़ यूज एज अ फ्यूल एंड इन स्टील मैन्यूफैक्चर इंडस्ट्री एक कोल्टार जो हमारा है जो हमको ये कोक का मैन्यूफैक्चर किया तब हमको मिला वो इट इज़ यूज एज एंड यूज इन एंटी डैंड्रफ शैम्पूस इन ऑइंटमेंट्स थोड़े सोप्स बनाने के लिए परफ्यूम्स बनाने के लिए हम कोल्ड टार को यूज़ करते हैं जो हमारा कोल गैस है बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस सप्लाईज हम ये कोल गैस को यूज करते थे फॉर डोमेस्टिक यूज एंड फॉर लाइटनिंग फ्यूल्स अब दूसरा फॉजिल फ्यूल चलो बात करते हैं हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड भी होता है उसमें लिक्विड भी होता है और गैशियस हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं पेट्रोलियम जो है इट वॉज़ मेनली फॉर्म बाय द डी के ऑफ टाइनी मराइन ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे जो प्लांट्स थे वो सारे मर गए तब जो बना उसको हम कहते हैं एज पेट्रोलियम और जो जमीन पर अगर मर गए और जो बनता है दैट इज द कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वेर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी मराइन ऑर्गेनिज्म गो एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आई हैव शोन यू ओवर हियर यू कैन सी ओवर हियर दैट दीज आर टाइनी मराइन एंड सेटल्ड ऑन द ओशन फ्लोर ओशन फ्लोर पर मर गए तब ये ओशन फ्लोर पर रहे जैसे हमने कोल में पढ़ा था वैसे ही सेम टू तो सेम प्रोसेस यहां पर भी होता है इन द ओशन ऑल्सो ओवर टाइम दिस लेयर ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स वॉज कवर्ड सेडिमेंट्स। इस पर भी धूल मिट्टी जमती गई फिर क्या हुआ नेक्स्ट प्रोसेस एनॉर्मस हीट एंड प्रेशर नीचे से हीट और ऊपर से प्रेशर तो क्या हुआ ट्रांसफॉर्म दिस रिमेंस टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और ऐसे हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बना राइजिंग थ्रू पोरस रॉक्स जो पोरस रॉक जो वजन में हल्के होते हैं उसके ऊपर आए सच एस सैन स्टोन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दे रिज द लेयर ऑफ इम्परमीएबल रॉक जो ऊपर धीरे 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 करके आते गए एंड दे वेर ट्रैप्ड बिलो एट और वहाँ पर ट्रैप हो गए और फिर जो बाहर निकालते हैं वही तो प्रोसेस को हम कहते हैं एज पेट्रोलियम फॉर्मेशन अब एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग पढ़ लेते हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैसे निकाला जाता है बाद में उसको रिफाइन कैसे किया जाता है सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग थ्रू इम्पर्मिबल रॉक्स क्योंकि हमने आगे पढ़ा कि वो इम्पर्मिबल रॉक्स के नीचे दब जाते हैं तो उसको जब हम ड्रिल करेंगे तब हमको पेट्रोलियम मिलता है सो दिस पेट्रोलियम ऑयल इट इज सेपरेटेड इन टू यूजफुल सब्सटेंसेस थ्रू ए प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम उसको सेपरेट किया जाता है पेट्रोलियम में बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं बहुत ही कीमती बहुत ही यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको निकाला जाता है एंड इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में पेट्रोलियम इट इज हीटेड टू टेम्परेचर अबाउ फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है फिर उसको एक फ्रैक्शन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है उसमें डाला जाता है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसा आता है तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो आता है हमारा वो बहुत ही टॉल होता है सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल ट्रेस होते हैं और जब ये हॉरिजॉन्टल जब जब वेपर्स इसमें से पास होते हैं तो पेट्रोलियम जो होता है वो वेपर्स उसके होते हैं जो ऊपर जाते जाएंगे और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आएंगे और फिर फ्रैक्शन कॉलम में आते आते वो कूल cool होते जाएंगे कंडेंस होते जाएंगे अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग हाइट पर उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो कंडेंस होते जाएंगे और जो अनकंडेंस्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कॉलम के बाहर निकल जाते हैं एंड रिफाइनिंग प्रोसेस इसको हम कहते हैं एज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ये पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैंने पूरा यहाँ पर बताया है चलो एक एक करके कर देख लेते हैं कैसे होता है जो हमारा क्रूड ऑयल होता है वो पहले हम इसमें डालते हैं गर्म करके अब गर्म करके डाला होता है तो ये हमारा बॉयलर है एज़ यू कैन सी ओवर हियर अब गर्म करके 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसको गर्म किया जाता है और इसमें डाला जाता है तो अब ये वेपर फॉर्म में हो गया अब वेपर फॉर्म में हो गया तो ये धीरे 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 करके वेपर्स कहाँ जाएंगे ऊपर ही तो जाएंगे क्योंकि वेपस कैसे होते हैं वेपस वजन में हल्के होते हैं अब धीरे 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 करके ऊपर जाएंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से वो अलग अलग जगह पर सेटल हो जाएंगे कूल हो जाएंगे ओके तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसका 40 डिग्री से बिलो टेम्परेचर होता है वहां पर क्या बनता है पेट्रोलियम गैस बनता है और पेट्रोलियम गैस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इट इज़ यूज इन डोमेस्टिक गैस इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक गैस जैसे एल पी जी उसमें हम यूज़ करते हैं फिर आता है हमारा पेट्रोल जो कितने डिग्रीज़ पर होता है वो होता है हमारा फोर्टी से हंड्रेड एंड सेवेंटी डिग्रीज तक हमारा पेट्रोल बनता है और पेट्रोल कहाँ पर हम यूज़ करते हैं पेट्रोल हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और दूसरे अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फिर वन सेवेंटी से वन हंड्रेड टू सॉरी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तक के टेम्परेचर के बीच में हमको केरोसिन मिलता है और केरोसिन हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल्स इन लैम्प्स एंड स्टोव्स एंड इन जेट फ्यूल्स ऑल्सो बाद में आता है हमारा डीजल डीजल के कितने डिग्रीज़ पर बनता है डिग्रीज बन डीज़ल डि, हमारा बनता है टू हंड्रेड फिफ्टी से थ्री हंड्रेड फिफ्टी तक के रेंज में और डीजल हम हेवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक होता है लॉरी होती है जो हेवी काम करता है वैसी जगह पर हम उसको यूज़ करते हैं एंड इन जनरेटर्स फिर थ्री और 400 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर होता है वहाँ पर क्या बनता है वहाँ पर बनता है हमारा फ्यूल ऑयल और फ्यूल ऑयल हम पावर स्टेशंस में और शिप्स में हम यूज़ कर सकते हैं बाकी जो भी 400 डिग्री से जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो सारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड दिस लुब्रिकेटिंग ऑयल इट इज़ यूज फॉर लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है पैराफिन वैक्स बनाने के लिए यूज़ होता है जो हम कैंडल्स uh, में ऑइंटमेंट में वैसलिनस में उसमें डालते हैं वो बाद में आता है हमारा एसफाल्ट जो हम यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ रोड्स अब एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में ही हम बात करते हैं हम नेचुरल गैस की नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है मीथेन का होता है तो उसके यूजेस यहां पर थोड़े दिए गए हैं नेचुरल गैस के नेचुरल गैस हम यूज कर सकते हैं इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज सी एनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सी एन जी इट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एज इट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली क्योंकि वो ज़्यादातर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता क्योंकि पेट्रोल और डीजल होता है उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है इसलिए हम यूज़ करते हैं सी फिर कहाँ पर यूज़ होता है इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू हाउसेस वाया गैस पाइपलाइंस एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अमोनिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं हम उसको यूज़ करते हैं स्टील ग्लास प्लास्टिक और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके थोड़े लिमिटेशन है जो भी फोजिल फ्यूल्स हमारे होते हैं उसमें थोड़े लिमिटेशंस तो होते ही है क्योंकि जो फॉजिल फ्यूल्स होते हैं नेचर में कैसे हैं लिमिटेड अवेलेबिलिटी में है बहुत ही कम है और बहुत ही कम होते ही तो है मगर क्या उससे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है इसलिए हम उसको कैसे यूज़ करने चाहिए अगर वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी में है तो फॉजिल फ्यूल्स को आपको तो पता है बनने के लिए हज़ारों हजारों साल लग जाते हैं और अगर ये ख़त्म हो गया इफ़ी इफ़ रन आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ दिज फ्यूल्स वील नॉट गेट इट मोर नेटेड फिर अगर एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं द यूज ऑफ फोजिल फ्यूल इट एडस मेनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज लाइक पॉल्यूटेंस इन द एटमोसफियर एंड दीज पोलूटेंस द एडवर्सली एफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम ऑर्गेनिज्म के लाइफ को बहुत ही खतरनाक तरीके से वो नुकसान करता है एंड पोल्यूटेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैशियस यानी सबको वो नुकसान करता है तो कौन कौन से पोल्यूटेंस होते हैं एयर में जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं तो एक तो ये हमारा कार्बन मोनऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस और टेस्टलेस कलर भी नहीं है टेस्ट भी नहीं है उसकी स्मेल भी नहीं आती है कुछ भी और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कम्बेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज हेड एक डिजीनेस ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं एंड इट कैन इवन लीड टू कोमा एंड डेथ सेकेंड जो पोल्यूटेंट है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमोसफियर में इतना बढ़ रहा है इट हैज इंक्रीज ड्यू टू द वाइड स्प्रेड कंबस्टन ऑफ फॉजिल फ्यूल्स एंड दिस कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से ही जो हमारे पोलर आइस कैप्स है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है और मेल्ट होना शुरू तो हो गया है इसकी वजह से हमारा सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स और वो सारे पानी के अंदर दबते जा रहे हैं फिर ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज्ड वेन कोल इज बर्न यूज ऑफ फॉलि फॉजिल फ्यूल्स जैसे कि हम पेट्रोल यूज़ करते हैं डीजल यूज़ है, कर सकते करते हैं कोल यूज़ कर सकते हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं एंड दीज गैसेज दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो हवा में होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और आ, बनता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जमीन पर गिरता है इट इज़ नोन एज एसिड रेन एंड इट डैमेजेज द प्लैंट्स द एक्वेटिक लाइफ सॉइल बिल्डिंग सब कुछ को नुकसान करता है और भी हमारा एयर पोल्यूशन uh, uh, का एक पल्यूटेंट है जिसको हम कहते हैं सूट पार्टिकल्स एंड दिस सूट पार्टिकल्स दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द एयर ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ वुड एंड फॉजिल फ्यूल जैसे कोल और पेट्रोलियम है एंड दीज पार्टिकल्स कैन एंटर आवर बॉडीज आल्सो वैन वी ब्रीथ और हमको आस्थमा अटैक्स आ सकता है स्नीजिंग प्रॉब्लम आ सकता है कफिंग प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी में इरिटेशन हो सकता है कुछ भी हो सकता है सो वी नीड टू डू समथिंग तो क्या हमको करना चाहिए हमको कंजर्व करना चाहिए हमारे फॉजिल फ्यूल्स को सो कीपिंग इन माइंड द लिमिटेशन ऑफ फॉजिल फ्यूल्स द नीड ऑफ आर इज टू कंजर्व दैम एंड

तो कैसे कैसे दूसरे सोर्सेस हम यूज कर सकते हैं हम टाइडल पावर यूज कर सकते हैं विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं सोलार एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी ये सारे एनर्जी हम यूज कर सकते हैं टू मीट अवर फ्यूल एंड एनर्जी नीड्स सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर Right? So, these are some of the questions, and still to continue, there are some complete these also. So, here we come to the end, and you are going to write the answers of these questions in your books. So, coming up with a new chapter, meet you next time with a new chapter. So, students, have a great day. Bye bye.